देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा बढ़ना शुरू। पिछले एक दिन में ओमिक्रॉन के 17 मरीजों की पुष्टि हुई। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 21 हुई। दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक मरीज मिलने के बाद एक्शन में सरकार। LNJP हॉस्पिटल में 500 बेड अलग से तैयार किए। CM केजरीवाल ने फिर ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की फ्लाइट्स बंद करने की मांग की। ओमिक्रॉन और वैक्सीनेशन को लेकर NTAGI पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। बूस्टर डोज को लेकर मंथन। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बूस्टर डोज की मांग की जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइंस बदली। यूपी में भीड़ वाली जगहों पर किए जा रहे हैं रैंडम टेस्ट। राजस्थान में वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क अनिवार्य किया गया। शिक्षा संस्थाओं में सख्ती के आदेश। ओमिक्रॉन बढ़ने के बाद बेंगलुरु में नई कोविड गाइडलाइंस आई। वैक्सीन की दोनों डोज नहीं तो मॉल्स, थिएटर्स में नहीं मिलेगी एंट्री। तेलंगाना के करीम नगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। एक साथ 43 छात्र और स्टाफ कोरोना संक्रमित मिले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,306 नए केस दर्ज। 211 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। देश में इस वक्त कोरोना से केरल का सबसे बुरा हाल। पिछले 24 घंटे में 4,450 मरीजों की पुष्टि हुई। 161 लोगों की मौत। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी। एक दिन में 24 लाख से ज्यादा टीके लगे। अब तक 100